खबर खनियादाना से है, जहां वन विभाग खनियादाना की अवैध उत्खननकर्ताओं पर एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देश पर खनियादाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने खनियादाना वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बीट मचानन से वन विभाग के गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का अवैध उत्खनन कर रहा था। जैसी वन विभाग की टीम को अवैध उत्खननकर्ता ने देखा तो मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल खनियादाना वन विभाग की टीम ने मिट्टी का अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर खनियादाना सब रेंज में लाकर रखा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि खनियादाना वन विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली रोज वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर खनियादाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने वन अधिनियम के अंतर्गत अवैध उत्खनन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 घन मीटर मिट्टी भरी हुई थी और मौके पर करीब 4 घन मीटर मिट्टी की खुदाई के निशान मिले हैं। खनियादाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। श्रीमान वन परिचय अधिकारी महोदय पिछोर श्री अनुराग तिवारी के निर्देशन में हम खनियाधाना सब रेंज के सभी स्टाफ गश्ती पे थे। बीट मचारण में पहुंचने पर हमने देखा कि एक ट्रैक्टर मिट्टी भर रहा है खुदाई करके। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे तो स्टाफ उसका मिट्टी ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया। मौके से एक ट्रैक्टर को जब्त करके सब रेंज खनियाधाना में रखा गया। 2 घन मीटर मिट्टी है और लगभग 4 घन मीटर खुदाई के निशान मिले हैं इस पर। आरोपी गिरफ्तार हुआ है? नहीं, आरोपी हम सभी स्टाफ को देख के मौके से भाग गए।